सो है गाइस, बैक विद अ न्यू वीडियो। बहुत दिन बाद गाइस मैं आज वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरा मतलब समर में थोड़ा मैं बाहर था, मैं घर में नहीं था, कुछ प्रॉब्लम के लिए बाहर गया था, थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। सो गाइस बहुत दिन बाद आज मैं वीडियो कर रहा हूँ। एंड गाइस आज का वीडियो होने वाला है कि अगर आप लोग समर में कॉकटेल को ब्रीड करवा रहे, अगर उसका चिक डाई मतलब डेथ हो जा रहा है उन लोग का चिक का, तो उसमें क्या हम लोग मतलब सॉल्यूशन निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी समर सीजन भी आ गया है, बहुत दिन पहले आ गया, और अभी जो है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है। हम लोग का इंडिया में बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, एंड दैट्स वाई जो है चिक्स एक्सपायर कर रहा है। एंड और भी रीज़न है जिसके कारण कर रहा है। और ये और एक जो चीज़ है, ये जो एडल्ट पेयर होता है ना, एडल्ट पेयर भी जो है हाफ रहा है बहुत धूप में। सो गाइस हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल्स में, विदाउट एनी स्किप आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस पहला जो बात है, पहला पॉइंट है, आप लोग अगर मटकी दे रहे हैं कॉकटेल को, तो जब वो लोग अंडा ले करने वाला है या फिर अंडा ले करेगा, सपोज आप लोग देख रहे हैं या फिर कर भी दिया है, तो लगभग कुछ दिन हो जाने के बाद आप लोग जो है मटकी का ऊपर का जो ढक्कन है उसे हटा सकते हैं। कोई वैसे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, उसे आप लोग जो है आराम से हटा सकते हैं। सो गाइस वो लोग को जो है एयर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हवा पास हो उधर से। मेरा गाइस जैसे देख सकते हैं मेरा जो सेटअप है ये बाहर ही है, मैं नहीं बोलूँगा अंदर है, बट इन लोग को हवा पास भी होता है। देखिए ये लोग जो हाफ भी नहीं रहा है उतना, अभी तो दोपहर टाइम है, आप लोग को समझ आ ही रहा होगा। देखिए थोड़ा बहुत धूप आ रहा है उधर, तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो गाइस ये लोग हाफ भी नहीं रहा है, क्यों नहीं रहा, क्योंकि गाइस इधर से बहुत अच्छे से हवा पास है, इन लोग को जो है डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रहा है। मेरा जैसा सेटअप है तो पीछे मैं जो है पूरा चद्दर लगा के रख दिया, ताकि इन लोग को जो है डायरेक्ट धूप ना लगे। और उधर से जो आप लोग देख पा रहे हैं, उधर से जो है इधर हवा आ रहा है और इधर से जो है हवा निकल जा रहा है। तो मैं ऐसे करके जो है सेटअप को बनाया हूँ, तो उधर से हवा आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो गाइस ये पहली बात है, आप लोग को मेंटेन करना होगा, और जो मटकी का ढक्कन है वो भी खोल देना होगा, ताकि एयर पास बहुत अच्छे से हो जाए। सेकेंडली जो है इस टाइम पे क्या करना होगा, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड पानी में भिगो के देना होगा। आप लोग ऐसा ऐसा सॉफ्ट फूड दीजिए जिसके कारण इन लोग का शरीर जो है ठंडा रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे अभी सॉफ्ट फूड में मिक्स में चना दे रहा हूँ, उसके बाद क्यूकम्बर दे रहा हूँ, पम्पकिंस दे रहा हूँ, कभी कभार जो पपायस दे रहा हूँ, बहुत कुछ मिक्स करके दे रहा हूँ, कैरेट बीन्स तो ऑफकोर्स है ही उसमें। और ये सब आप लोग को रेगुलर मेंटेन करना होगा, और ये लोग अच्छे से खा भी लेगा। सीड आप लोग दीजिए दोपहर में, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, बट सुबह सुबह जो है इन लोग को अच्छे से सॉफ्ट फूड आप लोग भिगो के दे सकते हैं। थर्डली जो है इन लोग का पानी में आप लोग इलेक्ट्रल मिला के दीजिए। इलेक्ट्रल क्या होता है, आप लोग अगर मेडिसिन स्टोर में जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं उन लोग को ORS इलेक्ट्रल देने, वो लोग दे देगा। इलेक्ट्रल पाउडर आप लोग दीजिए, तो जो है इन लोग का जो शरीर है वो हाइड्रेटेड रहेगा, कभी डिहाइड्रेट नहीं होगा। डिहाइड्रेट हो जाएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो पानी के साथ जो है ORS इलेक्ट्रल आप लोग मिला के दे सकते हैं। फोर्थली जो है इन लोग को आप प्रोबायोटिक दे सकते हैं। प्रोबायोटिक आप लोग क्या दे सकते हैं, प्रोबायोटिक में आप लोग जो है दही का जो पानी है, मतलब एकदम जो व्हाइट कलर का दही है उसका जो पानी है, दही नहीं पानी जो है वो आप लोग दे सकते हैं। ये सब जो है आप लोग प्रोबायोटिक के लिए यूज कर सकते हैं। और सॉफ्ट फूड एकदम ही आप लोग मिस मत करना इस समर में। और अब कभी कभार जो है आप लोग पुदीना जो पत्ता है वो दे सकते हैं, नीम पत्ता कभी कभार दे सकते हैं, तो ऑफकोर्स ये सब चीज जो है आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लोग का बर्ड जो है हेल्दी रहेगा। एंड गाइस आप लोग का इनकेस अगर बर्ड एग ले भी कर दिया है, आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को देखना होगा कि मटकी में डायरेक्ट धूप ना आए। अगर धूप आएगा तो क्या होगा, ये लोग जाए अच्छा से उन लोग को हीट नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसका मटकी ऑलरेडी पूरा हीट अप रहेगा, तो इसलिए गाइस ये लोग जो अच्छा से हीट नहीं देगा। एंड दैट्स आप लोग को देखना है मटकी में धूप ना आए। इनकेस बेबीज भी हो गए तब भी मटकी में डायरेक्ट धूप ना आए, ताकि बेबीज को कोई एकदम इफेक्ट ना हो जाए डायरेक्ट उस गर्मी से। एंड गाइस बेबीज होने से पहले आप लोग को जो है वुड शेविंग्स तो ऑफकोर्स देके रखना है, क्योंकि गाइस वो लोग पॉटी करेगा तो पूरा पैर मैर में लग जाएगा, और अगर धूप पड़ रहा है, अभी गर्म का सीजन चल रहा है, तो गाइस क्या होगा वो पूरा पैर में सूख जाएगा। तो क्या होगा, वुड शेविंग्स अगर आप लोग देंगे तो उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप लोग बॉक्स में ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो बॉक्स में तो एक साइड हो सके तो ओपन रखिए, अगर पॉसिबल है तो वेंटिलेशन देके रखिए, क्योंकि बॉक्स जैसे देख सकते हैं मेरा ये साइड लगा हुआ है, वो साइड जो है ओपन है, उधर से पीछे जगह भी है तो उधर से जो है हवा पास हो जाता है, तो वेंटिलेशन आप लोग को हो सके तो करके रखना होगा। सामने तो ऑफकोर्स वेंटिलेशन है ही, पर फिर भी उधर देके रखना होगा।
मेरा जो ये वाला पेयर आप लोग देख रहे हैं, इधर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मेल है ये थोड़ा हाफ रहा है। तो इस टाइम पे आप लोग अगर देखेंगे ऐसे हाफ रहा है बर्ड्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसमें, जितना हाफ रहा है उतना ये उसके साथ लगा भी हुआ है। तो इस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये हाफ क्यों रहा है वो भी मैं बताता हूँ। ये लोग जो है ना अभी मटकी में घुसे थे, इसलिए गाइस ये अभी हाफ रहा है बाहर आकर, एंड दैट्स व्हाई इस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपली मैं दिखाता हूँ एक चीज। ऐसे वाटर बॉटल लीजिए, ये सब जो है मैं जो है कोविड का टाइम पे ये सब कलेक्शन किया हुआ। ये जो है सैनिटाइजर का बॉटल, आप लोग को समझ आ भी रहा होगा। तो ऐसा बॉटल लीजिए, इसमें पानी भरिए, एकदम ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा एकदम गर्म तो नहीं आप लोग को भरना है, पर ज़्यादा ठंडा भी नहीं भरना है। ऐसे भरिए, इसे खोलिए और पूरा बर्ड्स के ऊपर धीरे धीरे से स्प्रे करिए। मतलब बर्ड्स देखेंगे, मतलब उन लोग का पंख फैला रहा है, वो लोग मतलब और भी चाह रहा है कि हम लोग को पानी दो, ऐसा मतलब आप लोग को समझ आएगा। तो जो स्प्रे करना है तो क्या होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये हाफना बंद हो जाएगा। और देखिए ज़्यादातर धूप आने के कारण ही होता है मेरा। अब अगर आप लोग देख सकते हैं, इधर से जो है धूप ऐसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये सिंगल लेयर में है, और इधर भी एक लेयर में आप लोग को धूप दिखाई दे रहा होगा, बट ये जो है डायरेक्ट एकदम मेरा केज के ऊपर आके नहीं गिर पा रहा है ये सब चद्दर के कारण। तो गाइस इसलिए थोड़ा सा जैसे हीट आ रहा है वैसे हवा भी आ रहा है, आप लोग को पता चल रहा होगा, देखिए उड़ रहा है, तो उधर से जो है हवा आ रहा है और इधर से हवा जो है निकल जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई अभी तक जो है सब पेयर ठीक है। पर अगर आप लोग ब्रीडिंग में बैठा है, अगर वो मटकी में घुसेगा तो थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब जो मैं मेजर बोला आप लोग लीजिए, ऑफकोर्स आपका बर्ड एकदम फिट एंड हेल्दी रहेगा। मेरा सबसे प्लेफुल अभी जो पॉकेटल कलेक्शन में वो है ये वाला, देखिए थोड़ा डर है अभी मैं कैमरा लेके बहुत दिन बाद आया हूँ सेटअप में, और ये शायद कैमरा नहीं देखा होगा पहले, तो गाइस इसीलिए थोड़ा डर रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इतना उड़ रहा है, तब से मैं वीडियो जब से स्टार्ट किया तभी आप लोग देखिए ये उड़ रहा था, तो तब भी जो है ये नहीं हाफ रहा है, और अभी ये पूरा सॉफ्ट फूड भी खत्म कर दिया। मैं इन लोग को अभी सीट देने का टाइम है, एंड दैट्स वाई मैं जब कैमरा लेके घुस रहा था तब बहुत ही ज़्यादा ये लोग चीख रहा था, अभी तो थोड़ा कैमरा देके बंद है, पर बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था। ये जो है फीडिंग भी इजीली स्टार्ट कर देगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोपहर टाइम में सीट खाना ऑफ कोर्स स्टार्ट कर देगा, मैं अभी दूंगा तो ये स्टार्ट भी कर देगा। सो गाइस आज का वीडियो यही था, अगर आज का वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी गाइस इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आप लोग को लगा आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है, तो डेफिनेटली गाइस ये वीडियो को एक लाइक करना। मैं गाइस मेरा जितना इन्फॉर्मेशन है, मैं जितना एक्सपीरियंस किया हूँ उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि किसी और से झाप के बोल दिया। मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जैसे मेरा कॉकटल्स के रखता हूँ मैं वैसा आप लोगों को सेम टू सेम बताता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अब तक तो नहीं हुआ हो रहा है, इसलिए गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर भी नहीं होते तो सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसा और वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखने के लिए। एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को जो है डायरेक्ट नोटिफिकेशन एकदम फोन के स्क्रीन में मिल जाए। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।